Hello guys, and welcome to Mathematics and Applied Linguistics Tutorials. Guys, in this video I'll be sharing some news regarding SSC. इस वीडियो में आपसे मैं कुछ न्यूज शेयर करूंगा जो कि SSC से संबंधित है, ठीक है। तो गाइस, मेरे पास फिलहाल तीन न्यूज हैं SSC से संबंधित। न्यूज नंबर फर्स्ट जो ये है गाइस, कि जो एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था SSC के ऊपर, ठीक है। तो गाइस, उसमें जो लास्ट हियरिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI से कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट हमको दीजिए कि आपने क्या जांच की, कहां तक आपकी जांच पहुंची और क्या उसमें सामने आया है, ठीक है। तो गाइस, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। न्यूज नंबर टू ये है गाइस कि एक केस और चल रहा था गाइस नॉर्मलाइजेशन को लेके हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, हाई कोर्ट या कैट कोर्ट में था। तो गाइस, उसकी भी जो है आज उसका कल जो है वर्डिक्ट आ चुका है और वो केस जो है डिसमिस हो गया है, ठीक है। केस हैज़ बीन डिसमिस्ड, उसमें कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ने कोर्ट ने बोल दिया है अपने घर जाओ, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं आपके लिए। और जो न्यूज़ नंबर थर्ड है गाइस, वो है कि फिलहाल SSC के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम वेंडर को फाइनल करने का जो प्रोसेस चल रहा था उसके रिगार्डिंग जो है न्यूज़ है। तो गाइस, न्यूज़ नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। जो CBI ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट डाली है उसमें उसने कहा है कि जो उसको सबूत मिले थे, जो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स उसको मिले थे, ठीक है, कई सारे बच्चों के जो है स्क्रीनशॉट वहाँ पर उनको दिए गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आउट हो गए थे, तो उन्होंने माना है कि जो टाइम था एग्ज़ाम का उससे पहले जो है पेपर था वो आउट हो चुका था, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने बिल्कुल माना है, उन्होंने साफ साफ लिखा है इट इंडिकेट दैट द पेपर वॉज लीक्ड, ठीक है, जो उन्होंने बहुत सारे जो सबूत थे उनको देखते हुए ये कहा है। दूसरा गाइस, उन्होंने ये भी माना है कि जो एग्ज़ाम वेंडर था उसके जो एम्प्लॉय थे वो वहाँ पे मिले हुए थे, उन्होंने जो है एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए जो है वहाँ पे उन्होंने जो स्क्रीन शेयरिंग से जो काम हुए, जो रिमोट एक्सेस हुआ, वो सब उनकी मिलीभगत से हुए। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि उन्होंने गाइस नाम नहीं लिया किसी का, बट उन्होंने कहा कि SSC के कुछ अननोन ऑफिशियल्स, ठीक है, उन्होंने गाइस जो है अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया, उन्होंने अपनी पावर्स को अब्यूज़ किया और उन्होंने गाइस जो है मिली भगत करके इस चीटिंग को होने दिया। वो चाहते तो रोक सकते थे, उनका काम था कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो एग्ज़ाम हो वो एकदम फेयर हो, एकदम स्मूथ हो, लेकिन उन्होंने गाइस जो है वहाँ पे चीटिंग कराई, वो मिले हुए थे, नाम किसी का नहीं लिया, ठीक है, SSC के एम्प्लॉयज़ का। और गाइस, जो चौथी जो गाइस वहाँ पे एक जो पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो वहाँ पे जो रिपोर्ट है उसमें गाइस वो 12th नंबर का पॉइंट है। पॉइंट ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जो जांच हो रही है गाइस वो सिर्फ Tier 2 तक ही है, ठीक है, Tier 1 की जांच नहीं हो रही है। प्लस गाइस, जो आपने और भी सबूत दिए थे, जो 10+2 के जो एग्ज़ाम जो स्क्रीनशॉट थे वो भी बाहर आए थे, उनके जो सबूत दिए थे, तो उनकी गाइस वो जांच नहीं कर रही है। जो CBI की जो जांच है वो सिर्फ Tier 2 तक ही लिमिटेड है, ठीक है। तो गाइस, पहली न्यूज तो ये है। अगर आपको गाइस इसकी एग्जैक्ट कॉपी चाहिए कि उन्होंने क्या जो है वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दी है, तो उसकी कॉपी के लिए आप गाइस नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी गूगल ड्राइव की, उस पे जाके आप पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आप सारे पॉइंट्स जो उन्होंने लिखे हैं एज इट इज़ वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एक उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की। जो न्यूज़ नंबर टू है गाइस, वो ये है कि जो केस चल रहा था नॉर्मलाइजेशन के लिए SSC के ऊपर, उसका वर्डिक्ट कल आ गया। केस गाइस बहुत दिन पहले ख़त्म हो गया था और कोर्ट ने अपना जो डिसीजन है उसको रिजर्व रख लिया था, अपना डिसीजन नहीं दिया था, बट कल उन्होंने जो है अपना डिसीजन दे दिया और उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा केस है वो फाइनली डिसमिस हो चुका है, उसमें कोई जो है अब कुछ नहीं बचा है। अब अगर हम चाहें तो हम नेक्स्ट जो है कोर्ट में जाके हम अपनी जो है वो डाल सकते हैं ग्रीवियंस, ठीक है, उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है, इस कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अब गाइज, न्यूज़ नंबर थर्ड क्या है कि SSC ने गाइज अभी जो एग्ज़ाम है सारे होल्ड किए हुए हैं, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। उसका रीज़न है गाइज, जो पहला एग्ज़ाम वेंडर था उसका गाइज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओवर हो चुका है, अब एक नया जो एग्ज़ाम वेंडर है उसको फाइनल करने की तैयारी चल रही है। तो गाइज, उसके लिए ये हुआ है कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है NSIG, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है। तो उसमें गाइज 49% हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट की है, 51% हिस्सेदारी जो है वो प्राइवेट फॉर्म्स की है, ठीक है। तो गाइज उसमें जो जैसे NASSCOM है ना, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, ये सब जो है उसमें भागीदार हैं, और भी कुछ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गाइज बेसिकली गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, एक प्राइवेट बॉडी ही आप उसको कह सकते हैं, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उसको ये जिम्मेदारी दी है कि वो SSC का जो प्रोसेस है इसमें हेल्प करे एक वेंडर फाइनल करने में, और उनको जो टाइम दिया है वो गाइस 30 सितंबर तक का टाइम दिया है कि 30 सितंबर तक आप जो है इसमें
काम करिए और इसको जो है फाइनल करवाइए, ठीक है। तो गाइज अभी गाइज मुझे लगता है कि ये 30 सितंबर से आगे नहीं जाएगा, ऑल दो डेट एक्सटेंड हो सकती है अगर वो चाहें कि टाइम कम है टाइम हमें और दे दूँ, बट गाइज 30 सितंबर से आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाइज प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ चुका है और गाइज SSC ने जो है फिलहाल जो टेंडर निकाला था उस पर काम काफ़ी आगे हो चुका है और 6 कंपनियों को गाइज जो है अपने ऑफिस में उन्होंने इन्वाइट किया है कि आप आएँ और हमें गाइज अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाएं कि आप कैसे एग्ज़ाम कराएंगे, ठीक है। तो गाइज उसके बेसिस पे और जो लोएस्ट बिड होगी उसके बेसिस पे गाइज जो फाइनल वेंडर होगा वो फाइनल हो जाएगा कि ये वेंडर आपका एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। तो 6 वेंडर्स को गाइज उन्होंने बुलाया है, उनमें से एक वेंडर सिफी भी है, बाकी वेंडर्स भी हैं, TCS भी है और भी कई वेंडर्स हैं, उनमें से एक वेंडर सिफी भी है, TCS भी है, बाकी 4 वेंडर्स और हैं उनका नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो गाइज उनको बुलाया है, तो आई होप कि गाइज 30 सितंबर तक आपका ये जो है फाइनल हो जाएगा कि एग्ज़ाम कौन लेगा। उसके बाद गाइज आई होप कि नवंबर एंड तक आपका CPO का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, आई होप सो। और गाइज जो आपका CGL का एग्ज़ाम है वो दिसंबर या जनवरी तक जो है आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट हो जाना चाहिए, Tier 1 की बात कर रहा हूँ। तो आई होप ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा और गाइज ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है, कोई फाइनल SSC का कोई मतलब वो नहीं है ऑफिशियल डेट कि इस डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा, बस मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गाइज अगर 30 नवंबर तक ये फाइनल हो जाता है तो गाइज कोई भी वेंडर फाइनल हो, कोई नया वेंडर तो उनमें से कोई भी नहीं है, सबके पास अपने लैब्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो उनको लैब सेटअप करने में टाइम नहीं लगेगा, उनको सिर्फ डेट देनी होगी कि इस डेट को आप एग्ज़ाम करा दीजिए और वो जो है अपना एग्ज़ाम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। खैर चलो बाद की बात है, इंटरनल क्या चलता है उनका वही जाने, बट मेरे हिसाब से गाइज नवंबर एंड तक आपका CPO हो जाना चाहिए और जो आपका ये CGL का एग्ज़ाम है ये आपका दिसंबर या फिर जनवरी एंड तक हो जाना चाहिए, ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो गाइज़ यही न्यूज़ थी। तो गाइज़ आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप मिलेगा, ठीक है, एक लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक को जो है क्लिक करें और उससे आप गाइज़ हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप सारे नोट्स SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं GD का, कॉन्स्टेबल का या फिर CGL का, ठीक है, 10+2 का, आपको वहाँ पे हर सब्जेक्ट के जो है नोट्स मिल जाएंगे, एकदम अच्छे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा गाइज आप अपने जो डाउट हैं किसी भी सब्जेक्ट के हों, मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, ठीक है, GK के, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं और उनको आपको वहाँ पर उनका जवाब मिल जाएगा। प्लस गाइज अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, उसका जो है जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, मैथ के, GK के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, सारे आपको वीडियोज यहाँ पे मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसको दबाएँ जिससे कि जैसे भी कोई नया वीडियो आएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, बाय।